नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स, मैं हूं आपके साथ साक्षी। तो शुरुआत करते हैं दिनभर की बड़ी और अहम खबरों के साथ। असम के सीएम के खिलाफ एफआईआर, हिमंत बिस्व शर्मा के खिलाफ पड़ोसी राज्य मिजोरम की पुलिस ने आधिकारिक शिकायत दर्ज की। हत्या की कोशिश और साजिश की धाराएं लगाई। जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर, पुलवामा में सुरक्षा बलों ने दो आतंकियों को मार गिराया। शोपियां में 8 जगह चल रही छापेमारी। हिमाचल में पहाड़ के साथ हाईवे धसा। लाहौल स्पीति में राजस्थान के 3 पर्वतारोही लापता। सिक्किम में टनल का काम कर रहे 8 मजदूर बहे, 3 को बचाया, 1 की मौत। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट आज दोपहर 3:30 बजे आएंगे नतीजे। पिछली कक्षा के 50% और हाफ ईयरली प्लस प्री बोर्ड के अंकों के फॉर्मूले से बना परीक्षा फल। नक्सली ने 2 स्टेशन उड़ाने की धमकी। जमुई के चौरा हॉल्ट पर आकर हथियारबंद नक्सली ने स्टेशन मास्टर से कहा, ट्रेनों को नहीं रोका तो स्टेशन उड़ा दूंगा। 1.5 घंटे तक ट्रेन संचालन बंद रहा। 3 अगस्त से होगी इग्नू की परीक्षा। जेल में 2 सेंटरों में एग्जाम देंगे कैदी। पटना में बनाए गए 21 सेंटर। 9 सितंबर तक चलने वाली परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी। उच्च शिक्षा विभाग का शैक्षिक कैलेंडर जारी। रिजल्ट आने के 15 दिन में लेना होगा एडमिशन। फर्स्ट ईयर में 2 अगस्त से प्रवेश। 40% ऑनलाइन होगी क्लास। 75% अटेंडेंस अनिवार्य। विधायक ही नहीं चाहते सीजी में शराबबंदी। भाजपा विधायक शिवरतन शर्मा 1 जनवरी 2022 से शराबबंदी का लाए थे रेजोल्यूशन। केवल 13 विधायकों का मिला समर्थन, इसीलिए खारिज। 12वीं पास हुए, अब एडमिशन के लिए मारामारी। पानीपत के डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन की कुल 10,860 सीट। हरियाणा बोर्ड और सीबीएसई के 12वीं पास स्टूडेंट्स की संख्या है 16,157। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, कैशलेस इलाज के पात्रों से निजी अस्पतालों ने लिया कैश। जांच के बाद 12 मरीजों का लौटाना पड़ा पैसा और फिर क्लेम भी नहीं ले पाए। कम हुई दूरियां, कोल्हापुर में बाढ़ पीड़ितों का हाल जानने पहुंचे उद्धव और फडणवीस। अब अचानक आ गए एक दूसरे के आमने सामने। भोपाल में 7 पुलिसकर्मी सस्पेंड। ऐशबाग थाने के एसआई, सिपाही और हवलदार तक ने चोरियों से रुपए लिए थे। सबके रेट तय थे एसआई जांच के दायरे में। टोक्यो ओलंपिक्स, भारत साउथ अफ्रीका के खिलाफ 4-3 से जीता। मेडल की उम्मीद बरकरार। वंदना ओलंपिक महिला हॉकी में हैट्रिक मारने वाली पहली भारतीय। काम की बात, 1 अगस्त से एटीएम से पैसे निकालने पर देना होगा ज्यादा चार्ज। व्यापार, महामारी के बाद बड़ी महंगाई से निर्यातक देश हुए मालामाल। आयातकों का बुरा हाल। अर्थशास्त्री की सलाह, गीता गोपीनाथ ने कहा है इकोनॉमी में पूरी रिकवरी होने तक सरकार को जारी रखनी होगी वित्तीय सहायता। ऊंची महंगाई दर पर भी बारीकी से नजर रखने की जरूरत। सड़क हादसे में 4 की मौत। भरतपुर से उज्जैन घूमने जा रहे थे, उदयपुर में दोस्त का बर्थडे मनाने का था प्लान। टोंक में डिवाइडर से टकराकर कार कई बार पलटी खाई, 1 गंभीर। अगस्त सितंबर में विधानसभा सत्र, विधानसभा के मॉनसून सत्र से पहले गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। कई मंत्रियों को बाहर करने के संकेत। बैंक सर्वर हैक करने वाली लुटेरी महिलाएं, 11वीं पास हैं दोनों विदेशी महिलाएं। 7,000 की डिवाइस की मदद से एटीएम से निकाले थे 32 लाख रुपए। कई शहर टारगेट पर थे। भिंड जिले की दीवार गिरी, 21 कैदी दबे। सुबह प्लास्टर गिरने लगा तो कैदियों को बाहर निकालते समय हुआ हादसा। 2 बैरकों के 21 कैदी घायल, 2 गंभीर। आज के खास खबरों में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि सारी टेक्सटाइल अपडेट्स आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे।